तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वॉरजोन मोबाइल के बारे में। तो रिसेंटली एक काफी ज्यादा फेमस वॉरजोन मोबाइल के लीकर ने जो है एक पोस्ट डाली है या फिर एक ट्वीट किया हुआ है। तो इस ट्वीट के अंदर उस बंदा ने क्या बोला है और ये चीज कितनी हद तक सही हो सकती है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। प्लस वॉरजोन 2 के बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वाली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक भी कर देना। और चैनल के ऊपर अगर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो को सीधे शुरू करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये बंदा या फिर ये लीकर है कौन। तो मोस्ट प्रोबेबली आप में से काफी सारे लोग इसको ऑलरेडी जानते ही होंगे। इसके बारे में मैंने अपनी वीडियोस में और भी काफी टाइम बात करी हुई है। ये बंदा बेसिकली न्यू कॉडम ही है। तो अगर आप लोग मुझे पिछले कुछ टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको पता ही होगा मैंने इसके लीक्स को जो है अपनी वीडियोस में काफी बार दिखाया हुआ है। और ये बंदा ना लोगों की नजरों में थोड़ा बहुत सस्पिशियस पहले से ही रहा था, बिकॉज पहले भी इसने काफी सारे ऐसे ट्वीट्स करे हुए हैं जिनका लाइक कोई सेंस नहीं बनता है, दे आर इलॉजिकल। जैसे कि आप इसका ये वाला ट्वीट देखो जिसके अंदर इसने बोला है कि वॉरजोन मोबाइल या फिर कॉडम 2022 में या फिर कॉडम 2 में हमको जो है VR का फीचर देखने के लिए मिल सकता है, जो कि टोटली लाइक इनसेंसिबल है। बट हाँ, ये कुछ और भी हमें सीक्रेट लीक्स देता आ रहा था, तो इसलिए काफी सारे लोगों का इसके ऊपर जो है थोड़ा बहुत ट्रस्ट बना हुआ था। लेकिन रिसेंटली इस बंदे ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसको देख के सभी लोगों का इस बंदे से लिटरली विश्वास ही उठ चुका है। तो क्या है वो ट्वीट एग्जैक्टली, मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि रिसेंटली आपको पता ही होगा माइक्रोसॉफ्ट ने जो है $70 बिलियन देके एक्टिविजन को अपने अंडर में एक्वायर कर लिया है। और ये एक्विजिशन लास्ट वीक ही हुआ है। और न्यू कॉडम ने ये जो ट्वीट किया है वो उसने इस एक्विजिशन के बारे में ही कुछ बोला है। तो जैसा कि आप इसके पहले ट्वीट में देख सकते हो, आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट बॉट हाफ स्टेक्स ऑफ पार्टनरशिप एंड दे टुक ओनरशिप ऑफ सेवरल डेवलपमेंट स्टूडियोज इंक्लूडिंग डिजिटल लेजेंड्स एंड बिनॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट गिविंग सजेशन टू स्टॉप मोबाइल डेवलपमेंट सिंस Xbox/Microsoft इज ऑल अबाउट PC एंड कंसोल्स। इसके कहने का ये मतलब है कि जब से ये एक्विजिशन हुई है, माइक्रोसॉफ्ट ने जब से जो है पैसे देके एक्टिविजन को अपने अंडर में किया है, तब से जो माइक्रोसॉफ्ट है वो एक्टिविजन के जो छोटे छोटे स्टूडियोज है ना, बीनॉक्स और डिजिटल लेजेंड्स, उनको जो है ये सजेस्ट कर रहा है कि आप लोग जो है इस नए कॉल ऑफ ड्यूटी टाइटल जो मोबाइल के लिए लाने वाले हैं वो लोग, उसकी डेवलपमेंट को आप लोग बंद कर दो। और इस बंदे के अकॉर्डिंग इसका रीजन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट तो सिर्फ PC और कंसोल्स के लिए गेम्स बनाता है। अब ना अपना फाइनल ओपिनियन देने से पहले इसके जो बाकी के दो और ट्वीट्स हैं उनको मैं पे पढ़ के आप सभी को सुना देता हूं। तो अगले ट्वीट में इस बंदे ने बोला है, इट मे इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉडम, ओनली एक्टिविजन कैन ब्रिंग सॉल्यूशन टू दिस, वेदर एक्टिविजन शुड कन्विंस माइक्रोसॉफ्ट और द होल प्रोजेक्ट इज ड्रॉप्ड ऑफ, राइट नाउ डेवलपमेंट इज अंडर होल्ड। यानी कि इस कंडीशन की वजह से जो न्यू कॉडम की जो डेवलपमेंट थी, जो कॉडम 2 की जो डेवलपमेंट थी, उसके ऊपर जो है इफेक्ट पड़ सकता है। और अब एक्टिविजन ही कुछ कर सकता है, या तो वो माइक्रोसॉफ्ट को कन्विंस करे गेम को डेवलप करने के लिए, या फिर इस पूरे जो प्रोजेक्ट है उसको ही ड्रॉप कर दिया जाए। और अभी जो वॉरजोन मोबाइल /कॉडम 2 है उसकी डेवलपमेंट अभी जो है करेंटली होल्ड पे। एंड नाउ फाइनली इसका जो थर्ड ट्वीट है उसको मैं आप सभी को पढ़ के सुना देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वॉन्ट्स मोबाइल दैट सपोर्ट्स ओनली देयर प्लेटफॉर्म्स, द माइक्रोसॉफ्ट टीम नॉट इंटरेस्टेड टू डेवलप एंड्रॉइड गेम, सो फॉर नाउ कॉडम 2022 इज इन बिग ट्रबल। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्टिविजन से चाहता है कि वो लोग सिर्फ PC और कंसोल्स के लिए गेम्स बनाए, एंड्रॉइड के लिए ना बनाए। तो अभी मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ इस पहले ट्वीट को लेके। तो देखो यार, सबसे पहली बात तो यही है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी जो है लाइक एक्वायर नहीं किया एक्टिविजन को, अभी उनकी बातचीत हो चुकी है। उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई मैं तेरे को खरीद लूंगा, लेकिन पेपर वर्क अभी तक नहीं हुआ है। पैसों का लेन देन बेसिकली आप बोल सकते हो कि अभी पूरे तरीके से पूरा नहीं हो पाया, बिकॉज $70 बिलियन इज अ वेरी बिग अमाउंट। तो अभी जब माइक्रोसॉफ्ट का पूरी तरीके से एक्टिविजन हुआ ही नहीं है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्टिविजन को कैसे बोल सकता है कि भाई तुम मोबाइल की डेवलपमेंट ना करो। लाइक अभी तो उनका कोई राइट ही नहीं है उनको कुछ बोल पाने का। और दूसरी बात तो ये कि देखो, हम सभी को पता है कि मोबाइल गेमिंग में बहुत पैसा है, लाइक अंधा पैसा है, और ये चीज माइक्रोसॉफ्ट को भी पता है। तो भाई वो लोग क्यों ही चाहेंगे कि एक अच्छे खासे गेम जो कि आ रहा है उसको क्यों वो कैंसिल करवाएंगे यार, उससे इतना लॉस हो जाएगा उनको। और अभी जो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल 2 या फिर जो वॉरजोन मोबाइल है ना, उसकी डेवलपमेंट होल्ड पे भी नहीं है। इसका प्रूफ मिलता है हमें एक्टिविजन की काफी सारी जॉब लिस्टिंग से, जो कि हमें उनकी वेबसाइट के ऊपर देखने के लिए मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाली जॉब लिस्टिंग दिखाई रहा हूं। तो अगर डेवलपमेंट होल्ड पे हो या फिर अगर कैंसिल हो गई हो तो जॉब लिस्टिंग क्यों डाल रहे हैं भाई। तो इन तीनों ही ट्वीट्स के पीछे का जो रियल सच था वो मैंने अभी आपको बता दिया है। और देखो, मेरे इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही है, बिकॉज काफी सारे लोग जो है न्यू कॉडम के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इसके लीक्स को जो है सच मानते हैं, और कई सारे लोग इवन इन सारे ट्वीट्स को पढ़ के भी इन सारे ट्वीट्स के ऊपर लाइक बिलीव करने लग गए हैं। सो मैं जस्ट यहाँ पे ये चीज को कंफर्म करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि
नहीं गाइस ऐसा नहीं है। और देखो ना, बंदा अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए लाइक ऐसे ट्वीट्स कर रहा है ताकि लोग इसको जाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल पाए, एंड एग्जैक्टली ऐसा हो भी रहा है। अब अगर आप लोग मुझसे पूछो कि भाई तू इस बंदे के ट्वीट्स क्यों दिखाता है, तो देखो यार इसका रीजन यही है कि इस बंदे का जो है कनेक्शन है कुछ फेमस लीकर से, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, बट हाँ इस बंदे का उन लीकर के साथ कनेक्शन है और ये चीज बिल्कुल सच है, इसलिए मैं इसके ट्वीट दिखाता हूँ। और मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझे लगता है कि हाँ वो गलत हो सकते हैं फ्यूचर में जाके, तो हाँ उनको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि वो क्यों गलत हो सकते हैं। और अगर मुझे उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, मुझे नहीं पता होता कि आगे जाके क्या होने वाला, तो मैं सिंपली ट्वीट्स को एक्सप्लेन करके आगे बढ़ता हूँ। लेकिन इसका ये वाला ट्वीट अभी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल जा रहा है भाई, लाइक मेरे एंड और भी काफी सारे जो क्रिएटर्स हैं, फिर और भी जो लीकर्स वगैरह हैं, उनके कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ भाई लोग थोड़े से डरे हुए हैं कि क्या वॉर्स मोबाइल कैंसिल हो जाएगा। तो इसी चीज के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो हाँ, आई होप आप लोगों को एक्जैक्टली पूरा सीन जो है पता चल गया होगा। तो अभी फाइनली बात करते हैं वॉर जोन 2 के बारे में। जी हाँ गाइस, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, वॉर जोन का एक सेकंड सीक्वल जो है हमें देखने के लिए मिलने वाला है अगले साल यानी 2023 में। और ये जो गेम है ये स्टैंड अलोन रहेगा, लाइक इसका वॉर जोन 1 से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, अभी जो वॉर जोन है उससे कोई भी रिलेशन इसका नहीं रहेगा। इसके अलावा टॉम हेंडरसन का आप इस पे ट्वीट भी देख सकते हो, जो कि उन्होंने 26 जनवरी को ही किया हुआ है। ब्लूमबर्ग हैज रिपोर्टेड दैट एक्टिविजन विल पब्लिश द नेक्स्ट 3 कॉल ऑफ ड्यूटी टाइटल्स ऑन प्लेस्टेशन, मॉडर्न वॉरफेयर 2 दिस ईयर, ट्राया टाइटल इन 2023 एंड वॉर जोन 2 इन 2023। यानी कि एक्टिविजन जो है अभी कॉल ऑफ ड्यूटी के 3 और गेम्स को पब्लिश करेगा प्लेस्टेशन के लिए। मतलब ये 3 जो गेम्स रहेंगे ना, ये प्लेस्टेशन के ऊपर डेफिनेटली लॉन्च होंगे। इसके बाद जाके कोई गेम अगर रिलीज होता है प्लेस्टेशन के लिए या फिर नहीं, वो कहना मुश्किल है बिकॉज ऑफ द एक्टिविजन एंड माइक्रोसॉफ्ट का जो सिनेरियो है उसकी वजह से। बट एनीवेज गाइस, ये काफी अच्छी न्यूज है कि वॉर जोन का जो हमें एक नेक्स्ट सीक्वल भी देखने के लिए मिलने वाला है। नाउ लेट्स सी कि भाई ये लोग मोबाइल डिवाइसेस के साथ लाइक क्या करने वाले हैं फ्यूचर में जाके। तो जी हां गाइस, इतनी कुछ न्यूज देनी थी इस वीडियो के अंदर में। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी अच्छा लग गया हो, तो इस वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस कर लेना। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताना, देखो कुछ भी कमेंट कर देना बट कर देना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलूंगा मैं आप सभी से अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।